Hello, good evening everyone. This is Dr. Sonpal Thagash, ENT and head and neck surgeon. So, काफ़ी कुछ myths है ENT and head and neck surgery as a surgical branch which you can opt. कुछ ऐसी myths हैं, मुझे लगा कि इसको address करना ज़रूरी है, because majority of ENT surgeons के जो मैं वीडियो देख रहा हूँ उसमें काफ़ी कुछ ऐसा कुछ बोला जा रहा है जबकि वो reality है ही नहीं. सबसे पहली बात, लो ENT surgeons आपको ये बताएंगे कि ENT इज़ अ ब्लेंड ऑफ फिजिशियन एज वेल एज सर्जिकल. ऐसा कुछ नहीं होता, ENT फिजिशियन की कोई वैल्यू नहीं है, आपको कोई जॉब भी नहीं देगा. इफ़ यू डोंट नो सर्जरी यू आर नथिंग. अगर दूसरी चीज़ कि GPs हमारे पेशेंट खाते हैं. देखो, आप MBBS के बाद नीट PG दी है, उसके बाद आप स्पेशलिटी में हो, यू आर नॉट टेकिंग एनी स्पेशलिटी टू सी जनरल पेशेंट्स. अगर जनरल पेशेंट्स ही देखने हैं तो एज एन MBBS यू कैन प्रैक्टिस. व्हाई डोंट यू डू GP? व्हाई डोंट यू प्रैक्टिस अ जनरल फिजिशियन? कर लो, मेडिसिन ले लो. आपको जनरल पेशेंट नहीं देखने, आप स्पेशलिटी हो, वो भी एक सर्जिकल स्पेशलिटी. तो आप चाहते हो कि आपके पास पेशेंट छन के आ जाए. अब जब पेशेंट ऐसी कोई इमरजेंसी होगी, जब कोई इंटरवेंशन की ज़रूरत हो या तो कोई सर्जरी की ज़रूरत हो, तब डायरेक्ट मेरे पास आएगा ना. तो आई वॉन्ट कि सर्जरी डायरेक्ट सर्जिकल पेशेंट मेरे पास आ जाए. Why do you want your general patients should come to you? थर्ड यह है इनकम की बात. फर्स्ट ऑफ ऑल लोग ये बताएंगे आपको कि ENT एज एन ENT ब्रांच आपको स्टार्टिंग सैलरी 1 से 1.5 लाख मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलता. टोटली मिथ, ऐसा कभी नहीं होता. एज अ स्टार्टिंग फ्रेशर योर सैलरी इफ़ यू नो ऑल द सर्जरीज 2 से 2.5 लाख है, 2 से 2.5 लाख से ऊपर ही मिलेगा. और बहुत अच्छा काम करो 3 साढ़े 3 तक आप इनिशियली सर्जरी सैलरी पा सकते हो. द प्रॉब्लम इज़ आफ्टर पासिंग ENT किसी को सर्जरी आती नहीं है. बेसिक भी शायद उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है लोगों को सोलो ऑपरेट करने का. अगर सोलो ऑपरेशन करने का कॉन्फिडेंस नहीं है, आप सोलो सर्जरीज कर नहीं रहे हो, आप वाइड वेराइटी सर्जरी नहीं कर रहे हो जो एक नॉर्मल ENT सर्जन को करना चाहिए, तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट दैट उसमें सैलरी बहुत हाई होगी. अगर आप ये सब करते हो तो सैलरी ऑफकोर्स हाई है, बहुत हाई है. एक और चीज़, लोग इसमें ब्रांच कंपैरिजन करती है नीट PG में, ENT एंड ऑफ्थेलमोलॉजी. बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है लोगों को. इसमें कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं. पहली बात तो आपको सर्जिकल ब्रांच चाहिए, ठीक है, और ENT की बात कर रहे हो. जब आप जो क्लेवाइकल से ऊपर जितना हेड एंड नेक जितना पोर्शन है ENT में, पूरा हेड एंड नेक का करिकुलम है. आप ENT की बुक स्कॉट ब्राउन का पहला जो इंडेक्स है वो सिर्फ पढ़ के देखो. आप ENT में एक्स्ट्रा ड्यूरल मतलब ड्यूरा मैटर के अंदर जितना भी होता है उसको छोड़ दो, वो न्यूरो सर्जरी में जाता है. तो ड्यूरा के बाहर जितना भी है, स्कल ले लो, ENT बेसिक ईयर नर्व थ्रोट ले लो, मास्टोइड बोन, टेम्पोरल बोन ले लो, चाहे वो फेशियल बोन्स ले लो, ऑर्बिट का बोन ले लो, गला पूरा ले लो, जितने भी ट्रकिया से लेकर कार्टिलेजेस हैं, जितना भी नेक डिसेक्शंस होता है, जितनी भी आर्टरीज होती है, वेसल्स होती है, जैसे कार्डियक एन्यूरिज्म्स, ये कैरोटिड एन्यूरिज्म्स होते हैं, जुगुलर एन्यूरिज्म्स होते हैं, ब्रेंकासिस्ट होती है, थायरॉइड्स होते हैं, पैरोटिड होते हैं, सबमैंडिबुलर ग्लैंड, सबल्यूंगुलर ग्लैंड होता है. तो जितना भी पोर्शन है प्लास्टिक सर्जरी का, राइनोप्लास्टी से, फेशियल बोन फ्रैक्चर से, ऑर्बिट है, कैंसर से, थायरॉइड के, नेक डिसेक्शन से, ओरल कैंसर, टंग कैंसर, फिर मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा है, क्रेनियोफेशियल रिसेक्शंस है, बहुत कुछ है, वो सब ENT के अंदर में आता है. और ऑफ्थेल में खाली आई बॉल के अंदर की चीज़ आती है. और अगर उनको कुछ करना है ओक्युलोप्लास्टी आई बॉल के बाहर निकले, तो वो अलग से फेलोशिप करते हैं उस चीज़ के लिए. ओक्युलोप्लास्टीज है, ऑर्बिटल फ्लोर प्लेटिंग्स है, तो उसके लिए उनको अलग से फेलोशिप करनी पड़ती है. आई एम जस्ट अ डिप्लोमा पास आउट, मैं ऑलरेडी ये सब कर रहा हूँ अपने सेंटर पर, मुझे अलग से कोई फेलोशिप की ज़रूरत नहीं पड़े. तो हाउ कैन यू कंपेयर ENT एंड हेड एंड नेक सर्जरी विथ ऑफ्थेल्मोलॉजी? देर इज़ नो कंपेरिजन. फर्स्ट थिंग, यू बी श्योर दैट आपको माइक्रो सर्जरीज करनी है या मैक्रो सर्जरीज भी करनी है, कैंसर भी करना है, प्लास्टिक, यू वॉन्ट ब्लेंड ऑफ ऑर्थो, प्लास्टिक, जनरल सर्जरी, उसका अगर ENT सबका ब्लेंड चाहिए, तो आपको ENT एंड हेड एंड नेक सर्जरी. डिग्री DNB हो, MS हो या डिप्लोमा हो, उसके पीछे मत भागो. यू जस्ट नीड टू पिक योर इंटरेस्ट ऑफ ब्रांच, दैट्स इट. एंड रेस्ट
एवरीथिंग विल मैटर ऑन योर पैशन, और आपको कितना सीखने का वो है उसके अलावा कुछ मैटर नहीं करता। चाहे कोई सी भी डिग्री कहीं से भी कर लो, एम्स से कर लो, या आप कोई सी भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अल्टीमेटली व्हाट मैटर्स इन अ सर्जिकल ब्रांच, मेडिसिन की मुझे नहीं पता, सर्जिकल ब्रांच में आपका हाथ मैटर करता है, आपका सीखने की स्किल्स मैटर करती है। दिस हैंड मैटर्स, नथिंग मॉडल मैटर्स एंड नॉलेज। वो आप ऐसा नहीं है कि आप सेंट्रल इंस्टीट्यूट में चले जाओगे आपको नॉलेज कहीं से मिल जाएगा, पढ़ना तो आपको ही है। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, जो MCH के एकदम हवा निकली है कि ये MCH आ गया, वो MCH आ गया, अरे भाई नीट SS 2018 और 2019 का प्रोटोकॉल उठा के देख लीजिए। ENT इज ऑलरेडी एलिजिबल फॉर सर्जिकल ऑन्कोलॉजी। ENT पहली बात तो MCH हेड एंड नेक सर्जरी इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ ENT, तो आपको ENT ग्रुप का ही एग्ज़ाम देना है। पहले सिस्टम अलग था कि आप इंडिविजुअल सुपर स्पेशलिटी को चूज़ करने के बाद आप उसको पढ़ना है और उसकी आप स्पेसिफिक एग्ज़ाम देनी है, और एक जो फीडर ब्रांच होती उसके 50% क्वेश्चन रहते थे। लेकिन 50% क्वेश्चन आपकी सुपर स्पेशलिटी ब्रांच जो आप जिसका एग्ज़ाम दे रहे हो उसका आता था। अब ये सिस्टम बदल गया है, अब जो फीडर स्पेशलिटी है सिर्फ उसी का क्वेश्चन होते हैं। तो MCH हेड नेक ऑन्कोलॉजी है, वो ENT ग्रुप के अंडर आता है, तो आप सिर्फ ENT में इतना पढ़ लो कि आपको MCH हेड एंड नेक को मिल सकता है, आपको जनरल सर्जरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़, अब सर्जिकल ओंको है वो पहले से वैलिड था, तो ऐसा कुछ नया हवा नहीं आ गया है। लोगों को अभी धीरे धीरे पता चल रहा है कि इसके बाद SS होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि पहले नहीं होता था, पहले से लोग करते आ रहे हैं। और सेंट्रल इंस्टीट्यूट की जहाँ से बात है वहाँ पर हेड एंड नेक सर्जरी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, फिर प्लास्टिक सर्जरी, ये तीन ब्रांच पहले से ही INISS को, जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट का जो सुपर स्पेशलिटी का एग्ज़ाम होता है INISS, उसमें पहले से ही एलिजिबल है ENT सर्जन ये तीन ब्रांचेस लेने के लिए। तो प्लास्टिक सर्जरी जो अभी NEET SS का जो नया ड्राफ्ट आया है उसमें एक नया आया है, NEET SS में नया आया है, इसका मतलब ये नहीं है कि ENT प्लास्टिक सर्जरी कोई नया ही वो हो गया, पहले से ही अप्लीकेबल था। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, प्लास्टिक सर्जरी का 25-30% करिकुलम पूरा हेड एंड नेक के अराउंड ही रिवॉल्व करता है। अब फेशियल ट्रोमा ले लो, राइनोप्लास्टी ले लो, कोई से भी सर्जरी ले लो फेस पे, फेशियल प्लास्टिक्स पे, जो एस्थेटिक वाला है और रिकन्स्ट्रक्शन वाला है, 25-30% पूरा करिकुलम का भाग ही ये मैक्सिलोफेशियल है, ENT है, यही है। तो उसमें कुछ नया नहीं हो गया है। नया चीज़ एक ही चीज़ हुई है, वो न्यूरो सर्जरी, जो रिसेंटली अभी NEET SS के अंदर ENT में ऐड हुआ है, वो अभी भी सेंट्रल इंस्टीट्यूट में नहीं है, तो वो आएगा कि नहीं नहीं पता। एंड फॉर योर करंट इन्फॉर्मेशन, ENT सर्जन इज़ मोर देन 100% मोर एलिजिबल देन अ जनरल सर्जन फॉर न्यूरो सर्जरी। काफ़ी लोग अग्री नहीं करेंगे लेकिन यही फैक्ट है। जनरल सर्जरी में मेजोरिटी 90% सर्जरीज जो होती है वो एब्डोमिन के अराउंड रिवॉल्व करती है, एब्डोमिन के अंदर ही रिवॉल्व करती है। अब जो बंदा अपेंडिक्स, कोलेसिस्टेक्टोमी, हर्निया, पैच लगा दिया, परफोरेशन, इंटेस्टाइनल जो भी है, वो सब करने के बाद अगर न्यूरो सर्जरी कर सकता है, तो एज एन हेड नेक सर्जन ENT इज मोर देन 100% एलिजिबल फॉर न्यूरो सर्जरी। अब इसको मैं एक एग्जांपल में आपको समझाना चाहता हूँ। अगर मैं ENT हेड नेक सर्जरी करने के बाद, MS या DNB करने के बाद, मैं ऐसा बोलूँ कि मुझे गैस्ट्रो सर्जरी चाहिए MCH में, तो आपको हंसी तो आएगी, है ना? तो सेम है जनरल सर्जरी के बाद न्यूरो सर्जरी करना। जनरल सर्जरी में आप अपेंडिक्स करने के बाद आप सोच रहे हो आप न्यूरो सर्जरी करोगे, तो लॉजिक नहीं है इस बात का। जो अब तक चल रहा था इसका मतलब ये नहीं वो सही था, वो गलत था।